Assalamu alaikum. Welcome to Kaseem's Kitchen and another episode of Iftari ki Tayari. आज हम बनाएंगे दही बड़े, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे बड़े बनाने से। बड़े बनाने के बाद उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस आपको समझाता हूँ और किस तरह से हमने जो है वो उसको जो है उसका ड्रेन स्ट्रेन करना है, उसका ऑयल ड्रेन करना है और उसको जो हमने दही प्रिपेयर करके उसमें जो है वो डालना है, ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। माश की दाल, ये है आधा किलो माश की दाल जो कि तकरीबन 4 से 6 घंटे प्रेफरेबली ओवरनाइट आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे। चाट मसाला एंड पे इस्तेमाल में आएगा। क्रश्ड रेड चिली, ठीक है? सॉल्ट, दही ऑफ कोर्स, दही बड़े हैं, दही के बगैर कैसे बनेंगे। और ये धनिया पुदीने की और मिर्चों की चटनी है जो कि आपको सेपरेटली प्रिपेयर करनी पड़ेगी। किसी दिन इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी करेंगे। ये वैसे मेरी वाइफ की स्पेशियलिटी है तो हाई चांस कि इसकी मुझे इजाज़त ना मिले, ट्रेडमार्क बेगम का है, उसको पहले मनाना पड़ेगा, ठीक है? चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सारी जो दाल है इसको हमने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है? पानी मैंने इसका निचोड़ दिया हुआ है, थोड़ा बहुत पानी अंदर है और इसी पानी में जो है ना ये जो है ब्लेंड होगा। इसको आपने फाइनली ब्लेंड कर लेना है, पर थोड़ा थोड़े ज़र्रे भी रहें क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, ठीक है? और हरी मिर्चें, सॉरी बताना भूल गया था, ये भी साथ ही ब्लेंड होंगी और इसके मिक्सचर के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है? बाकी चीज़ें मैं साइड पे कर देता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा, पानी मैंने थोड़ा सा साथ में रख लिया, होपफुली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जस्ट इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये मटेरियल आपका ब्लेंड हो गया, ठीक है? ब्लेंड करके अब ऑफ कोर्स एक तो इन द प्रोसेस मुझे ब्लेंडर चेंज करना पड़ा, ठीक है? इट वॉज़न्ट अ गुड आइडिया टू यूज़ दी हैंडी मिक्सर। दूसरा, इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो नमक डाला है और 1 चम्मच इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च डाली है, ठीक है? कंसिस्टेंसी आप देख लें इसकी, इस तरह की है ग्रेन इसके अंदर, शायद आपको नज़र आ रहा हो वीडियो में या नहीं। और अब इसको हमने नेक्स्ट स्टेप फ्राई करना है, ठीक है? फ्राई करने के लिए एक टेबल स्पून लेके तो मैं इसको एक एक करके, ऑयल मैंने हीट कर लिया, इसमें मैं डालता रहूँगा और ये अपना गोलाई का सा शेप बनता रहेगा इनका। इसको आपने जो है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है और फ्राई करके इसको फिर आप निकाल के तो पहले एक बाउल में डाल लें। ये मैं सारे के सारे जो है ये फ्राई कर लूँगा और ऑफ कोर्स आज के लिए जो है इसमें से सिर्फ जो है वो 5-7 पीसेस ही यूज़ होंगे। और करना आपने ये है कि इसको फ्राई करके हल्का सा नॉर्मलाइज़ करके इसका टेम्परेचर, और इनको फिर आपने फ्रीज़ कर लेना है ताकि जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप इनको निकालते जाएं और यूज़ करते जाएं। और यूज़ किस तरह से करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। चले जी, फ्राइंग का काम कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने कहा जरा अपने आप को चूल्हे से वर्क स्टेशन की तरफ शिफ्ट कर लूँ, ठीक है? सबसे पहले ये जो बड़े हैं ऑफ कोर्स मैं इसमें से 8-9 आज बनाऊंगा, इनको मैं पानी में भिगो रहा हूँ, ठीक है जी? ये इनको भिगो दिया है, इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट देने हैं। आज नॉर्मली हम इसको जल्दी निकाल लेंगे क्योंकि ये फ्रेश हैं और ये नरम है। जब आपने इनको फ्रोज़न स्टेट में निकालना है तो उस वक्त आपने इसको नीम गर्म पानी में जो है वो भिगोना है, ठीक है? फ़िलहाल मैंने इसको नॉर्मल पानी में भिगो दिया है।
उतनी देर जो है हम दही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, उसके लिए आपने दही लेना है। थोड़ा सा इसमें आप पानी डालेंगे, हल्का सा उसको पतला करने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि पैक दही बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान में आपका दही थोड़ा सा रनी होता है, तो हो सकता है उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है वो दही डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ठीक है, हैंडी हैंडी मिक्सर से कर लें आप, जिस तरह से आपको इजी लगे। और एक चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पुदीने की चटनी और थोड़ा सा पानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी गाढ़ी है। ठीक है जी, इसको आप अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। दही आपका हो गया रेडी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसकी नीचे एक लेयर बिछा लूंगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसको ज़रा मैं अच्छी तरह डिश के अंदर लेवल कर लूँ, और अब इसके अंदर हम एक एक करके जो है बड़े वो सेट कर लेंगे। अपने बड़ों को एक एक करके इसको आप पानी निचोड़ देना है, और इसको साथ साथ आपने सेट करते रहना है। मेक श्योर आप अपने हाथ धो लें पहले। ठीक है, सफाई का खास ख्याल रखना है। अगर ये थोड़े बहुत टूटते भी हैं तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। ये बड़े आपके हो गए हैं सेट। अब जो आपने बाकी का दही बनाया हुआ है वो आपने इनके ऊपर डाल देना है। ये आपका दही डल गया है। हल्के हल्के आपके बड़े नज़र आएंगे, वो अच्छे लगते हैं खूबसूरत नज़र आते हुए। इस पे जो है मैं आप हल्का सा जो है वो चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगा। ठीक है, सर्विंग से पहले। ठीक है जी, ये हो गए आपके दही बड़े, दही भल्ले, जो भी आप इनको कहना पसंद करें। इस तरह से आप इनको सर्व कर सकते हैं चटनियों के साथ, चाट मसाले के साथ। पर वो लोग जो अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको एक छोटा सा सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ। वापस चलते हैं चूल्हे की तरफ। ठीक है, ऑयल मैंने हीट होने के लिए रखा हुआ था, गर्म ये हो चुका है। बेसिकली हम थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ें डाल के तो इसके ऊपर बघार लगाएंगे। ये हो गया ज़ीरा। ठीक है, दो से तीन, अच्छा लाल मिर्चें आप लंबी वाली भी डाल सकते हैं, गोल वाली भी डाल सकते हैं, जैसे आपका आपको बेहतर लगे। ठीक है, और थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो आप डाल देंगे कड़ी पत्ता। बस ये तीन चीज़ें आपने डालनी हैं। बिल्कुल जिस तरह आप भगार लगाते हैं उस तरह से इसको आपने जो है वो लाल कर लेना है। ठीक है, ये मिर्चें आप देख रहे हैं कि रंग चेंज कर रहे हैं, ज़ीरा रंग चेंज कर चुका है, और इसको आपने हल्का सा पका लेना। ये अब आपने जो है वो अपनी डिश के ऊपर डाल देना, इसको अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर दें, और बाकी का ये अब आप इसकी शक्ल देखें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अनफॉर्चुनेटली रोज़े में होने की वजह से ना मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ ना मैं आपको चढ़ा सकता हूँ। लें जी, ये आपके दही बड़े तैयार हो गए हैं बघार के साथ, और इनका जो टेस्ट है वो अमेजिंग होने वाला है। इफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है तो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं मैं आपको बता सकता। एनीवेज, उम्मीद है कि आपको ये लास्ट का सीक्रेट पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए,
और अपनी फीडबैक दीजिए. साइनिंग आउट फ्रॉम कसीम्स किचन, दिस इज़ योर शेफ अबूजर कसीम. अल्लाह हाफिज़.